शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब ईद उल फितर का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फख्र फरमाता है और उनसे दरियाफ्त फरमाता है कि ए फरिश्तों बताओ मैं इन मजदूर की मजदूरी का बदला दे दूं, यानी जो इन्होंने दिन रात एक किया और रातों में खड़े रहे मेरी इबादत के लिए, तो क्या मैं इनको अजर व सवाब दे दूं, जो इन्होंने मांगा वो उन्हें दे दूं। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए हमारे रब, इसका बदला दे दीजिए। तो इरशाद होता है कि फरिश्तों, मेरे गुलामों ने और मेरी बांदियों ने मेरे फरीजे को पूरा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे अलुशान की कसम, मेरी बुलंदी व मर्तबा की कसम, मैं इन लोगों की दुआ जरूर कबूल करूंगा। फिर उन लोगों से मुखातिब होकर अल्लाह फरमाता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ हो चुके होते हैं, जैसे कि वो दुनिया में अभी अभी पैदा हुए हों। जब लोग ईदगाह से लौट रहे होते हैं तो उनको ये एहसास भी नहीं होता कि वो क्या क्या तोहफे लेकर अल्लाह ताला से लौट रहे होते हैं। अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाता है और सबको कुछ ना कुछ ज़रूर देता है, किसी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तौबा करने वालों की तौबा भी कबूल होती है, बशर्त के तौबा दिल से की जाए। और जिस शख्स ने लैलतुल कद्र की रात इबादत की हो, उसके अजर व सवाब का तो ठिकाना ही नहीं। अल्लाह ताला ने उसको कैसी कैसी रहमतों से नवाजा होगा। ईद के दिन ईदगाह में ही अल्लाह ताला अपने सब बंदों को ईद की तोहफे दे दिया करता है, और जो बंदियां घर पर होती हैं उनको उनके घरों में उनके तोहफे अता कर दिया करता है। जो जैसा अल्लाह ताला के साथ गुमान रखता है, अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ अजर व सवाब का मामला रखता है। ईद उल फितर भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, जो हर साल अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। इस दिन को हम सबको बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत के साथ, एक दूसरे से मीठे अखलाक के साथ सलूक करके इस दिन को बिताना चाहिए। और इस दिन की जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई हैं, उसका अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ईद के दिन हम सबको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आने और एक दूसरे से मोहब्बत करने और इज्जत करने, एक दूसरे के दिल में जो रंजिशें हैं और ना इत्तफाकियां हैं उन्हें भुलाकर एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।